एसीपी साहब, हाँ दया, क्या लॉकडाउन के चक्कर में सगरों काम खराब हुआ करो? ये तो है, कोई केस भी ना है, मेरी जेब भी खा लिया। वो 2000 रुपया एडवांस दे दो। 2000 रुपया? रहने दो, मुझे पता है तुम बहुत लीचड़ आदमी हो। जब तक काम ना करवा लेगे वो 2000 रुपया एडवांस ना दोगे। दया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो 2000 रुपये दे देता, मगर मेरा काम बिल्कुल खराब चल रहा, केस तो कुछ चल रहा। हेलो सर, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरे घर से एक माचिस की डिब्बी चोरी हो गई। पागल आदमी, हमें पता कि हमारा काम ना चलना, मगर ये थोड़ा हम तेरी माचिस ढूंढते फिरेंगे। नहीं सर, वो मामूली डिब्बी नहीं थी, उसमें 2 भांग की गोलियां थी। क्या सर? क्या हो गया? क्या बोल रहा है वो? उसमें भांग की गोली ही। क्या भांग की गोली? सर जल्दी क्लाइंट से बात करो, कभी फोन कट जाए। हम तुम्हारी माचिस और भांग की गोली ढूंढ तो लेंगे, मगर तुम्हें 1 गोली और 500 रुपए हमें देने पड़ेंगे। देख लो, अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम अपनी टीम के साथ काम करना शुरू करें। ठीक है सर। बताओ तो तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुरंत पहुँचते हैं। नहीं नहीं सर, घर पे नहीं, तुम मुझे संजय के खेतों पर मिलो। मुझे पता तुम तीनों के कारनामों की, इतना तो चोर चोरी नहीं करते जितना तुम तीनों चुरा के ले जाओ। ओह नो। सर क्या कहा क्लाइंट ने? क्या वो कह रहा है चोरों से ज्यादा चोरी तो तुम करो, फिर तो बुलाया उसने। सर देख लो, आपकी और दया की वजह से हमारी मार्केट में ये इज्जत रही है। तू तो रहने ही दे, पिछले केस में तूने जो ना लाश की जेब में दिलबाग तक भी ना छोड़े। oh, no. दिलबाग भी ले आए तुम उठा के, और कह रहे मेरी और दया की वजह से मार्केट में इज्जत ना है। सर पुराने किस्से छोड़ो, तुम जल्दी से क्लाइंट के पास चलो। ठीक है चलो। दया पिछली बार अभिजीत ने धक्का मारा था, इस बार तुम मारोगे। नहीं सर तुम मारोगे। नहीं दया तुम मारोगे। नहीं सर तुम मारोगे। तुम मारोगे। सर जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो सर, मेरे बस की ना आया सर। अब क्या जो केस के पैसा मिला है उनसे तेल जरूर गिरवा लीजिए। जरूर गिरवाऊंगा। पैसे मिले तो सही, 1 रुपया भी ना है, जेब सगली खाली पड़ी है। ठीक है सर। दया ऐसा लगता है सामने साइकिल आ रही है, और मैं तो ये कहता हूँ इस गाड़ी के बदले में साइकिल ले लो, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, इसमें तेल गिरवाऊंगा, तेल को पैसे नहीं है। ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। तो रोको साइकिल वाले को रोको। हाँ भाई कहाँ जा रहा? खेत तक जाओ बिजली चलाने। तो एक काम करे, अपनी साइकिल हमें दे, हमारी मोटरसाइकिल लेके जा। ठीक है साइकिल ले जाओ आप। लेके जा ले भाई। हटाए तो बहुत जल्दी हटा, हम जल्दी में लेट हो गए। भाई तूने करा था फोन? हाँ जी मैंने करा। हाँ तुम्हें किस पे शक है? मुझे एक ही आदमी पे शक है, और उसका नाम है टिंकू भंगेड़ी। उसका कुछ हुलिया हुलिया याद है तुम्हें? हाँ हुलिया याद है। हुलिया याद है? दया जी सर, हमारे इसके साथ आर्टिस्ट को बुलवाओ। हेलो स्केच आर्टिस्ट, संजय के खेतों पर आ जाओ, एसीपी साहब ने लाया।
कुछ तो गड़बड़ है दया, ये इतनी दूर बैठकर क्यों चित्र बना रहा है? सर तुम्हें हर बात में गड़बड़ी नजर आती है, ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का टॉप का आर्टिस्ट है। तो देख रहे थे क्या लग रहा है टॉप आर्टिस्ट है जब तुम वहां बैठा है? जी सर। सर बन गया चित्र। अबे ये क्या है, ये क्या टट्टी छेड़ दी तूने? इसे कहते हैं स्केच। सर आपको कला की पहचान नहीं है, लगता है आपको मोतियाबिंद हो गया। अभिजीत और दया। जी सर। टिंकू भंगड़ी को तो बात को ढूंढेंगे, पहले इसे इस दुनिया से गायब करो। जी सर। तुम पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ यहाँ जो भी कुछ हुआ वो कोई भी बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी ठीक है। अब तुम चलो। सर ये भंगड़ी कहाँ है? इसके आर्टिस्टों का भाग। अब तुम्हारे पास कुछ और सबूत है जिससे कि हम उसे ढूंढ सकें या उसका पता लगा सकें? सर उसका मुझे फेसबुक पे फोटो मिल गया, इंदिर प्रिया नाम से आईडी है उसकी। फोटो बताए। रुक जा भाई, इससे पिटवा गई। सर आप पे तो फोन है नहीं, मैंने दया सर के फोन पे व्हाट्सएप कर दिया फोटो। ठीक है चलो दया ढूंढते हैं उसे। ठीक है सर। बाबा तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा? देखा। ठीक है बाबा, गौर से देख लो, कभी देखा हो। ठीक है बाबा। सर रोका तो सही, जरा दुकान है, भूख सी लग रही है। तो मेरे पास तो पैसे ही ना है। चलो तो सही बात। मुझे तुम यहाँ ले तो आयो, मेरे पास पैसे ना है, जो तुम्हें लेना हो ले लो। सर पैसे क्यों दिक्कत ले रहे हो, दया हैगा, ये सब हैंडल कर लेगा। कोई बात ना तो ले लो। दया हिसाब करके आओ इसका, और हाँ ठीक से हिसाब करना। ठीक है सर। हाँ भाई कह रहे हो गए तेरे 50 रुपए हो गए। हमसे पैसा ले लेगा, जानता ना दिखे हम सीआईडी से हुए। सेम वो मेरे पैसा चाहिए। पैसा मतलब आगे मेरी एसीपी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। कौन से बेइज्जती हो जाएगी? तो वो मेरे पैसा चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, दया को इतना टाइम कैसे लग रहा है? अरे सर बड़े केस में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। काम कर दो, हमारे पैसे माफ, हमारा काम माफ नहीं करूंगा। एक शर्त पे पैसे माफ कर दूंगा। कौन सी शर्त पे साहब? इसे बोल दूंगा तो कोई नहीं खुल पाया, इसे खुल दे। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, दया को बहुत समय हो गया। लग तो रहा है। ओह नो। Thank you.
लो खुल गया। खुल गया? हाँ ठीक है तो आप जाओ। दया आज तुमने मेरे टैलेंट का सही इस्तेमाल किया है, मुझे फक्र है तुम पर। ठीक है सर। अरे टिंकू का फोन। हेलो सर, आप जिस टिंकू भंगड़ी को ढूंढ रहे थे ना, वो अभी टीटू मास्टर जी के खेत पे देखा मैंने घूमता हुआ। ठीक है हम तुरंत पहुंचते हैं। दया जी सर, केस सॉल्व हो गया, चलो। हाँ भाई डैचू। जी सर। कहाँ है वो? जी उरा। वही है? हाँ सर वही है। पक्की खबर होनी चाहिए? बिल्कुल पक्की है, वरना तो फांसी डैचू तेरी लगाऊंगा। जी सर उसकी लगाई है, फांसी तो वही है। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Sir, mujhe kyon pakad rahe ho? तुम्हारे नाम की कंप्लेंट आई है हमारे पास, तुमने एक माचिस की डिब्बी चुराई है जिसमें तो भांग की गोली थी। सर मैंने तो कोई चोरी नहीं की। रुको सर इसे मैं समझाता हूँ। रुको दया, रुको रुको रुको, इसे मैं समझाता हूँ। वैसे तो मैं ऑन द स्पॉट आदमी को फांसी की सजा सुना देता हूँ, मगर तुम्हारे लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑफर है। क्या है सर? एक गोली भांग की और 30 रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है सर। जाऊं मैं? हाँ जाओ तुम, और आज के बाद कहीं भी चोरी करता नजर मत आ जियो, निकल। चलो दया। सर क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं मैंने उसे समझा दिया, नाटक कर रहा था वैसे ही। चलो चलो ठीक है सर। चलो सर आप तो दे दो मुझे 2000 रुपए। 2000 रुपए? जी सर। Oh no. सर क्या हो गया? अबे मुझे तो लगे ऐसे भी बुड्ढा मर को दिखे। अभिजीत देखूं? चल रन। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके हमें बताएं।